एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला अमरोहा के ब्लॉक धनोरा में स्थित सेतपुर गांव पहुंची। इस समय हरजीत कौर को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 1200 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 263 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं पता चला कि गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 90 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 11 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 30 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री व शौचालय, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 110 शौचालय का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसके साथ ही गांव में सौर ऊर्जा व कूड़ेदान लगवाने की भी मांग की है। ग्राम सैदपुर जयराम से पवन शर्मा प्रधान का पुत्र बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपने धनराशि हमारे गांव ग्राम पंचायत के लिए दी गई है सैदपुर जयराम के लिए, वो धनराशि सीसी टाइल्स, खरंजा और सौर ऊर्जा लाइट वगैरह और विद्यालय में काम मैंने बहुत काम किया है। और कुछ कामों की जो हमारे गांव में दिक्कतें हैं, जैसे गांव में पानी का निकास और वगैरह सड़कें वगैरह और भी हैं, जैसे पानी की दिक्कत, हैंडपम्प की दिक्कत और कि जैसे बहुत ये परेशानी है कि धनराशि जो दे रहे हैं आप वो काम हमने पूर्ण रूप से किया गया है इसका, और हमको कुछ धनराशि बढ़ के की जाए या और वो दिया। और दिक्कत जो है जैसे नाला है हमारे गांव से 500-600 मीटर नाला है, उसमें पानी की निकास की बहुत ही परेशानी है कि उसकी दिक्कत और बहुत ही परेशानी हमारे गांव के लिए हैं। जैसे और गांव में जैसे मरगटियाँ ही हैं, उसकी कोई दीवार वगैरह नहीं, और जैसे दसमा घाट है उसका कोई भी नहीं, जैसे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कतें हम बोल रहे हैं और कोई सुनवाई हमारी नहीं हो पा रही, इसलिए कि हमारी सुनवाई की जाए और केंद्र सरकार या यूपी सरकार हो हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए। प्रधानों की कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं की जा रही और विकास के रूप में खूब देखा जा रहा है कि क्या करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, धनराशि फिर भी ठीक ठिकाने से लग रही है, फिर भी आप लोग कुछ भी नहीं सोच रहे। प्रधानों को जैसे मैंने आवास वगैरह सब कुछ बनवाए हैं, देखिए लैट्रिन है, शौचालय है, मेरे गाँव में कम से कम 300 शौचालय की और ज़रूरत है। आप जल्दी से जल्दी हमारी ग्राम पंचायत सैदपुर जयराम के लिए करें। और जैसे ब्लॉक मेरा असमोली, जिला संभल और तहसील संभल का मैं प्रधान का पुत्र हूँ कि